या मालिक, मैं जब भी अपनी भाभी माँ के पास आता हूँ तो देखता था कि हमेशा मेरी भाभी को सहाल दिखाई देती थी और दौड़ के मुझे अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज बात क्या है कि मेरी भाभी माँ की आंखों में आंसू है, ये बात आज भाभी माँ से मैं जरूर पूछूंगा। भाभी माँ, क्या बात है देवर? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भाभी माँ। मुझसे क्या पूछना चाहता है, पूछना। अरे रो रो के भाभी तुम आंसू क्यों बहाती हो, रो रो के भाभी तुम आंसू क्यों बहाती हो। क्यों बहाती हो बाती अपने देवर से, क्यों नहीं बताती हो बात। कहा कुछ किसी मेरी भाभी, रो रो के भाभी तुम क्यों मुझे रुलाती हो, रो रो। भाभी माँ, आज मैं आपकी आंखों में आंसू देखकर बहुत ही दुखी हुआ हूँ भाभी माँ। देवर मेरी बात सुन, हर बात अपने देवर से कुछ नहीं छिपाती हूँ। जरूर बताइए भाभी माँ। अपने देवर से कुछ नहीं, अपने देवर से बाती अपने देवर से कुछ नहीं छिपाती हूँ। सची सच बताती देवर कुछ नहीं छिपाती हूँ, सची सच बताती देवर। सासुना सताती देवरी, सासुना सताती देवरी, फिर कौन सताता स्वामी ना सताते हो। बाती अपने देवरी से सची सच बताती हूँ, बाती अपने देवरी से देवर तू क्या जानेगा देवर, क्या बताऊं देवर, मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई और मेरे सर में इतने जोरों से दर्द उठा और मैं दर्द बर्दाश्त न कर सकी, मेरी आंखों में आंसू आ गए देवर। लेकिन भाभी माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रहे भाभी माँ। नहीं देवर, ये आपकी गलतफहमी है। आप मुझसे जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। मेरी माँ नहीं सताती, भैया नहीं सताते, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है भाभी माँ?
अरे देवर, मैं तुमसे बताई ना कि मेरी तबीयत अचानक खराब होने से मेरे सर में इतने जोरों से दर्द उठा और मैं दर्द बर्दाश्त न कर सकी, मेरे आंखों में अचानक आंसू आ गए। लेकिन भाभी माँ, क्या है देवर? आपने दवा नहीं मंगाई? अरे तुम तो जानते हो देवर ना, कि जब देखो तुम्हारे भैया फैक्ट्री में बिजी रहते हैं, और रही बात घर में, वो देवर भी जब देखो तब तुम्हारे भैया के साथ फैक्ट्री में बिजी रहता है। और रही बात तुम्हारी, तुम तो कॉलेज में पढ़ने चले जाते हो, और मैं दवा किससे मंगाऊं? भाभी माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे देवर, इस समय मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। भाभी माँ, चाहे जो भी हो जाए भाभी माँ, लेकिन मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता। भाभी माँ, मैं आपके चेहरे पर हमेशा हंसी खुशी देखना चाहता हूँ। ठीक है देवर, तू यही देखना चाहता ना, तू चिंता मत कर, आज के बाद तेरे भाभी की आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे। भाभी माँ, लेकिन भाभी माँ, क्या है? कम से कम आज एक बार मुस्कुरा दीजिए भाभी माँ। आखिर बात क्या देवर, आखिर कहना तू क्या चाहता है? भाभी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब भी कॉलेज से आता हूँ तो मेरे लिए आप हमेशा भोजन तैयार रखती हैं, मेरे कपड़े साफ सुथरा करके रखती हैं, मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाती हैं, फिर कॉलेज भेजती हैं भाभी माँ। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी माँ। क्या कहना चाहते हैं देवर, कहिए ना। अरे साची कहूँ तोरे यावन से हमारे, क्या? अरे साची कहूँ तोरे यावन से हमारे, आएंगे ना में आइल बाहर भौजी। साची कहूँ तोरे आवन से हमारे, साची कहूँ तोरे आवन से हमारे, अंगना में आइल बाहर भौजी। घर था भूतनी के डेरा, घर था भूतनी के डेरा, जब से भाइयो तुम्हारो बगी फेरा, दुनिया बदली गई हालत सावर गई, दुनिया बदली गई हालत सावर गई, अंधन के तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी जैसे अंगनवा में दूजा, हमने जाना के फगुआ सी भाभी। अच्छा, अब हमने जाना के फगुआ सी भाभी, होते हैं कितने त्योहार,
बचपन से हम काका कही कही के हारे। अरे क्या कह कह के हारे देवर। बचपन से हम काका कही कही के हारे, कोई हमें भी तो काका पुकार। भतीजा फुलवा शरीखा। हे देवर, ये मेरे बस की बात नहीं है। दई दे भतीजा फुलवा शरीखा, मानेंगे हम उपकार। साची कहूं तोरे यावन से हमारे, साची कहूँ तोरे यावन से हमारे, आएंगे ना में आइल बाहर भौज। अरे देवर, तुम भाभी माँ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है भाभी माँ, चल के खाना दो। खाना खा के कॉलेज जाऊंगा भाभी माँ। अरे देवर, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के रखी हूँ। चल पहले नाश्ता करी, उसके बाद कॉलेज चले जाना। बड़ी अच्छी बात है भाभी माँ, चल। लेकिन मैं पहले सच पहले क्या बात है, मोतीलाल से मिलना चाहती हूँ। कहो भाऊजी। कहा भाऊजी, हम का याद क्यों का? हाँ देवर, मैं तुमको इसलिए याद की हूँ। हाँ कि आज मेरा देवर कॉलेज जाने का समय हो गया है। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले जाई मार्केट में। हाँ भाभी। देखिए, मेरे देवर को कॉलेज जाना है जी। सबसे पहले चलिए, मेरे देवर को नाश्ता कराइए, उसके बाद मेरे देवर को बस पे बैठा देना, मेरा देवर कॉलेज चला जाएगा। ठीक है भाभी, जैसे आपकी इच्छा है वैसे मैं करूँगा। चलिए देवर। आइए छोटे भैया, आओ। चलिए। हे भगवान, का ई मुसीबत तो का हम ही के देख रहा है। ई मुसीबत हमसे नहीं सहा जात बा। बेटवा मोतीलाल आए आवा भैया। का का का? और बेटवा हा भले? हाँ सब हम भले ही। आपन बतावा कैसे आज बहुत थोड़ा दूसरे हिसाब से बोला है काका। ए बेटवा मोतीलाल। हाँ काका। भगवान हमरे ऊपर गाज डाल देन पुतौ। गाज डाल देन? हम बर्बाद हो गए बेटवा। उ कैसे? एक तोका अच्छी तरह से मालूम है, हम अपने घर में तीन सदस्य रहे। तीन प्राणी? जबकि तीन प्राणी में हमार बुढ़िया और एक बिटिया जे के नाम ममता है। अच्छा अच्छा, काहे के मतलब आप घर में तीन प्राणी हैं? हाँ बिटवा। अच्छा काका। हे भैया। हाँ काका। बिटिया हमार सयानी हो गए, हम सोचे कि अब सयानी बिटिया घर में रहब ठीक ना है बा। नहीं काका। कतो तो इनके लड़किया देख के शादी ब्याह कह दे पुतौ। बहुत अच्छी बात सोचन काका, यह माई बाप के कर्तव्य है काका। यही तो का अच्छी तरह से मालूम है, जिला सहारनपुर ग्राम दौलतपुर के रह वाला हम ही। हाँ। हमार नाम बिटवा मनोहर सेठ बा। अच्छा अच्छा। हम अपने बिटिया के बार ढूंढे ताए, बहुत दूर तक ढूंढ जाए तो? लेकिन हमका कतो लड़किया पसंद नहीं भवा। तब फिर कहाँ कहाँ बिटवा? हाँ? वही सहारनपुर में एक विजय कुमार नाम का लड़का हमका पसंद पड़ा। ओह या भैया, बड़वार मनई लड़का हमका पसंद बवा। हम देख ताक के दिन तारीख सब रख दीन पुतौ। बहुत बढ़िया क्या काका। शादी ब्याह के सब तैयारी कई दिन बिटवा, लेकिन भगवान के माया अटै हमहू अपना का लगावत रहनी। जौनिन गली की जाई वही गली की कहा है, लोग बाग बा मनोहर सेठ जाता। सेठ जाता है, सही बात है। हमारे पास फैक्ट्री रही। अच्छा बिटवा, भगवान के माया हमारे फैक्ट्री जल के राख हो गई। एक कहती बिटिया के शादी ब्याह ठाने पर। वह कहती
वह कहती बिटिया के ब्याह शादी थाने। हाँ भैया यहारी आग लग गई। कहती आग लगी जनरेटर हमारे जल के राख हो गए, फैक्ट्री जल के राख हो गए। तब अब बिटवा हम सोचे कि शादी ब्याह यहाँ ठाने ही, अब कैसे शादी ब्याह करी तो कैंसिल कर दे होते। अरे या भैया कैंसिल का कह दे, पुतौ इरादा तो रहा कैंसिल कर दे शादी ब्याह, लेकिन गांव देश वाले टोला परोस वाले नात बात रिश्तेदार हाँ कहे लागेन कि मनोहर काका बिटिया का शादी ठाने है तो बिटिया के ब्याह कर डारा, जवान कुछ हो सके हम सब थोड़ा बहुत मदद कर देवे। ये बिटवा हाँ काका जो लड़किया हम देखे विजय कुमार के महतारी हाँ वो भक्ति नहीं है। अच्छा शंकर जी के पुजारी नहीं है। अच्छा अच्छा या बेटवा वो दहेज मा तय करी कि सेठ जी हम अपने बेटवा विजय कुमार के शादी करब तो 50,000 रुपया नगद दहेज में लेब और एक अंगूठी लेब, एक चैन लेब, अच्छा एक स्कूटर लेब। मतलब इतना चीज मांग के है। या भैया हमारा समय बनी रहते सब देख तैयार रहे सब माले हाँ चला सब कुछ हम दे बे हाँ, लेकिन बिटवा जब आग लग गए फैक्ट्री में जल के राख हो गए तो हम कुछ न दे पाए। ओह तब तो बिटवा तू जाना था कि गुड़िया के त्योहार बिल्कुल निष्कान है। सही बात है हमरे ममता बिटिया के सखी सहेली उनके उम्र के जितनी है हाँ सब कहते हैं काका जा दीदी ममता का बुलाए लावा। नहीं बहुत बढ़िया लावा बहुत बढ़िया कहत है हमरे कि एक तो पहल ब्याह क्या पहल गुड़ुई बिटिया का ससुरे में ना पड़े के चाहिए ना चाहिए बिटवा। या भैया हम शादी ब्याह कह के विदाई तो कई दिन अच्छा लेकिन अब गुड़िया के त्योहार खोपड़ी पाए के फाट पड़ा बा हाँ सब गांव देश वाले कहा तहा जा काका लिया आवा हाँ लेकिन पुतौ बुढ़ापा मन हम हमरे पास खर्चा बरचा एक को झांझी को कहो काका खर्चा की परेशानी बा। अब हम ही सोचत ही इतनी दूर जाई तो हम कैसे जाई लल्लू काका हो हाँ का बताई खैर पैसा बिना तो तू ना तोहार काम अटक पावत लेकिन हमारे पास फुटकर नहीं ना। ए भैया हाँ तुहरे पास पैसा है का। हाँ या हाई ए बेटवा मोतीलाल हाँ तू हमका किराया भरे के दे दे लल्लू हमारे पैसा हो जाए तो तुहार पैसा वापस कर दे। का बताई काका हम देख दे दे लेकिन हमारे पास 35 का नोट है का भा काका का भैया हाँ 35 का नोट कब से चली ले तो का पता नहीं तो बहुत दिन से चलती है। कैसे हो था 35 का नोट अब जैसे 3 ठे 10 के ले लिया अच्छा और 1 ठे 5 के ले लिया नोट तो 35 ना हो गए। हाँ हाँ बेटवा 35 रुपया तो हो 35 के नोट तो भाई। ए भैया हाँ तनी अपने काकी के बुलौता देखा वो का राज सलाह दे। अच्छा ए काकिया जल्दी आवा काका बुलावत हाँ काकी पाए लागी खुशी रहा। और बतावा काकी ठीक सब ठीक ठाक बा लेकिन एक कई बात का बड़ा दुख बा। का दुख बा काकी आज हम गांव की तरफ चली गए रहे। अच्छा गांव के सब ममता के सखी सहेली हाँ सब कहीं देखा काकी कहीं देखा काकी जाए कि ममता दीदी के लिए आवा हाँ गुड़िया के त्योहार आई है जब तक झूलना फूलना गाड़ी ओ कजरी उजरी सूरत नहीं तब तक मजा नहीं आवा। सही बात काकी तू जाते बचे ही काका के लिए लेता ममता के जा लिया आवा है गांव के सखी सहेली सब ओकरे साथे झूला झूल ले और त्योहार भी जाए फिर चली जाए। काकी हो हाँ हम तो न जा पाओ काहे हम कांवर लेके जवैया आई बाबा बैजनाथ सोचा तही इस समनमा भरे में जाए कि लौटियाई और एक ठे बढ़िया भंडारा फनवैया आई। नहीं बहुत बढ़िया काम करता है बचाई बहुत नेक काम सोचे यहाँ एक काम नहीं करते काका अकेले ही चला जाए इतना ठीक है। ठीक है दोनों जने सलाह कर लिया अगर, अगर काका जाते हैं तो काका चला जाए हम चला जाए बाबा बैजनाथ। ममता के बाबू
हाँ का कहूँ ममता की अम्मा। देखा चला जा ममता की ससुराल, अब ममता के जा लिया आवा, कहे से ओकर सखी सहेली से व्याकुल ना होकर बिना। ममता की अम्मा, एक तोहका अच्छी तरह से मालूम है, तुह से ना ही कहते हैं। ममता बिटिया के जितनी सखी सहेली है, हमहू से कहते हैं कि काका जा ममता बिट्टी के लिया आवा, लेकिन तोहका ही जाने के चाहिए, हम बुढ़ापा मनई चले फिर से मोहताज ही, जेबा में एक तो पैसा ना ही बा, उतनी दूर गए पर तो कुछ खर्चा बर्चा तो चाहिए। ठीक है, बिना खर्चा के कैसे जाई? का किराया भाड़ा नहीं तोरे लगे? हमरे पास तो खर्चा किराया कुछ नहीं बा ममता की अम्मा। अरे कोनो बात नहीं, चला हमारे पास 50 रुपया हम रखे। अच्छा अच्छा, अब हम 50 रुपया दे और जा बिटिया के लिए आवा। हाँ ठीक कहती है ममता की अम्मा। ये मोती ललऊ कहता हमरे 35 का नोट ये है काका, छुट्टा ना ही ना है तो का खर्चा किराया के दे दे। कब बचे? हम आए 35 का नोट कब से आए? अब भाई देखा हमारे संबंध में ढेर दिन से चलती बा, आज कोनो नई नोट ना हो, 3 10 के लिए, 1 5 के लिए, और नोट बा नोट है फुटकर है ना। अच्छा चला ठीक बात है, के मतलब 3 10 ये 5 के मिला के 35 का नोट बन गया। अलग अलग है और का? तो चला 50 धरे यहाँ का की आपकी जान लिया आवे, वहाँ दाई की जाए लगी तो हम दाई दे। चला कौन बात आवा बाबू आवा। ए भैया, जैसे जैसे सावन का महीना है तो झूलना जब पड़ जात है, जब झूलना पड़ जात है डारी पा, तो पा दु मेहरारू बैठ जाई हैं, दु मन से दु खम्भावे लागत हैं। देखा मेहरारुए कजरी में का कहा थे मास्टर बतावा। आहा ओहो, हे कि सावन आय गवा मना भावन साखी नाही सैया आए ना, सावन आय गवा मना भावन साखी नाही सैया सावन आई गवा है मन भावन सखी नहीं सैया यऊ।